अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोफिया अमीन और आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा ताहरी। तो चलिए व्यूवर्स, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक पतीली और मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। फ्लेम मैंने कर दी है ऑन। मैं ये ताहरी तकरीबन 750 ग्राम चावल की बना रही हूँ, यानी कि 3 कप के बराबर। तो उस हिसाब से मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और थोड़ा सा ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है और इसको मुझे सौते करना है। ये देखिए, ये हल्का सा इस तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी साबुत गर्म मसाला। मैंने तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली हैं, तकरीबन 1 से 1.5 खाने के चम्मच के करीब ये गरम मसाला है साबुत। ये तमाम चीज़ें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ऐड कर दूंगी और इसको भी हल्का सा फ्राई करूंगी ऑयल में। व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन स्टॉक। ये देखिए, आप चिकन स्टॉक की जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, ताहरी का। बहुत टेस्टी बनती है ये। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्लाइस अनियन, तकरीबन 1 कप मैंने लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज है ये, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था और इसको हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। व्यूअर्स, अंडा डालने की वजह ये है इस ताहरी में कि ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज़ का चॉप्ड टोमेटो भी ऐड कर दूंगी और इसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। अंडे मैं अलग से बॉईल कर रही हूँ। 2 से 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, उनको मैंने सिंपल बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। 1 खाने का चम्मच मैंने भर के लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। हल्दी मैंने 1 टीस्पून लिया है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मैंने 1 खाने का चम्मच ही नमक भी लिया है। इसको अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर। ये मैंने 1 से 1.5 कप ले लिए हैं बॉयल हुए हुए ये मटर हैं पैकेट के। और साथ ही मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी, 2 तकरीबन दरमियाने साइज़ के आलू। मैंने इस तरह से स्क्वायर कट कर लिए हैं इनको, जिस तरह से सालन में डलते हैं। सालन में थोड़े बड़े साइज़ के डलते हैं, मैंने थोड़े छोटे कट किए हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू, इनको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए व्यूअर्स, आलू भी तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। व्यूअर्स देखिए, मैंने इस कप के हिसाब से चावल लिए हैं 3 कप, तो जितने मैंने चावल लिए हैं उसका ही डबल मुझे लेना है पानी, यानी कि 6 कप मैं पानी लूंगी। तो इससे ये रेशो बिल्कुल ठीक बनता है और चावल अच्छी तरह खिले खिले बनते हैं। तो ये देखिए, मैं 6 कप इसके पानी के ले लूँगी मेजर करके। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इससे आपके चावल बिल्कुल खिले हुए बनेंगे। मैंने बासमती चावल लिए हैं, ये नरम भी नहीं पड़ते और बिल्कुल परफेक्ट कुकिंग होती है। ये देखिए, ये पानी अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब मैं चावल ऐड करूँगी। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था पहले। व्यूअर्स, चावल ऐड करने के बाद मैं इसको फुल हाई फ्लेम पे कुक करूँगी और जैसे ही ये पूरी तरह से पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम पर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, बुलबुले बन रहे हैं, बबल्स ऊपर आ रहे हैं, चावल जो है खुश्क होते जा रहे हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, चावल अच्छी तरह से डन हो चुके हैं। अब मैं इसको ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। तो व्यूअर्स, 5 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और यहाँ से देखिए, अब ये दम पे आ चुके हैं चावल और ये देखिए गर्मा गर्म चावल हो चुके हैं तैयार। बहुत ज़बरदस्त खिले खिले चावल उतरे हैं। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल और मज़ेदार। चावल तो तकरीबन सभी के फेवरेट होते हैं, तो ये मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। और साथ ही हम अंडे भी बॉयल करके इनके साथ गार्निश कर देंगे। गर्मा गर्म ताहरी हमारी है तैयार। बहुत सिंपल और मज़ेदार ताहरी है ये। और ये देखिए, चावल कितने खिले खिले और कितने अच्छे बने हैं।
दोस्तों व्यूवर्स, मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मज़ीद रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इसको शेयर कीजिए और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे रखिए याद। तो व्यूअर्स, मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।